तो यहाँ पर अभी डिबेट चल रहा है सलाद में और तो ये एपेटाइजर्स है बोल। ओके सो ईद मुबारक एवरीवन वंस अगेन। भाई सबसे ज्यादा बिजी कोई होगा ना काशिप भाई। अरे नहीं हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सेल्फ बैक्स गाइस होप यू आर डूइंग वेल। आज है 29th of April 2023 और अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लास्ट व्लॉग में तो सुबह अपलोड करना था 10 बजे, नहीं हुआ तो अब आई बार एडिटिंग भी करना है उधर में। चलते गाइस आगे बढ़। वसीम क्या कर रहे हैं? अंदर चलेगा। मैं आया हूँ सिटी चौक और यहाँ पर सुफियान भाई आए थे पुणे से। सुफियान भाई वाले सलाम, क्या आज कटिंग करा रही है? तो अभी सुफियान भाई यहाँ पर हेयर कट के लिए आए थे। आज वो बाइक से आए बोलते तुम? कैसा लगा सब रोड? वो कैसा है बाकी पुणे का रोड? भाई भी एक बार ट्रैवल किया बाइक से, बहुत ज़बरदस्त है रोड। और ये है कटिंग शॉप, क्या नाम है इसका? खुशी खुशी जेंट्स पार्लर। दीप फातिमा ये हमको परेशान कर रहे हैं, जो हम काम करते हैं तो दरवाजा खटका मारते हैं, है ना? नहीं। ये है मोहम्मद, ये दोनों मिलके खटके मारते हैं, है ना? नहीं काय को फोटो खींच रहे? क्या फोटो नहीं वीडियो आई है? वीडियो यूट्यूब यहाँ एडिटिंग चालू है लास्ट व्लॉग की। सो गाइज अभी मैं रेडी हो गया हूँ और अभी मुझे जाना है एक शुरकुमा पार्टी में। आमिर भाई हमारे जो फ्रेंड है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, तो उनके घर पर आज एक शुरकुमा दावत है, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। फिर शुरकुमा दावत के बाद हमको एक जगह एक रेस्टोरेंट भी जाना है, वहाँ पर शूट रिलेटेड हमको एक मीटिंग है। तो चलते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। Most wanted singer of Aurangabad. क्या बात है? He is Mr. Munawar Ali. अच्छा. He is blogger Pastor Bhai. हाँ Famous blogger. हाँ. Yes. ठीक है. नाम आती है. इस टाइप की. आइए. तो अभी हम लोग आ गए हैं आमिर भाई के पास और अभी बाकी लोग भी आना बाकी है और कुछ लोग अभी रास्ते के अंदर है, तो देखते अभी कौन कौन आता है, सबसे मुलाकात करेंगे। ओके सो ईद मुबारक एवरीवन वंस अगेन। मैं आई गेस सेकेंड या थर्ड टाइम आप लोग से कैमरा पे मिल रहा हूँ काशिफ के चैनल पे, और आज मेरे घर ईद मिलन पार्टी रखी गई है जिसमें मेरे सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सभी इनवाइटेड हैं। इवन काशिफ यहाँ पे है और मेरे साथ मेरे काफ़ी पुराने दोस्त मुनव्वर अली। इनका मैं तारुफ आपको बता कर देता हूँ, ये एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं। इन्होंने सारेगामापा मराठी में पार्टिसिपेट किया था, ये एपिसोड्स में भी आ चुके हैं टीवी पर। इवन ये अपने खुद के कॉन्सर्ट्स भी करते हैं और फिलहाल ये औरंगाबाद से अभी फ़िलहाल मुंबई में रहते हैं, मुंबई में कॉन्सर्ट्स करते हैं, वहीं पर इनका अभी सिंगिंग का काम चल रहा है। अगर आप और थोड़ा कुछ अपने बारे में बता दें ऑडियंस को। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत दिन बाद आज आमिर भाई से मुलाकात हुई जी, लास्ट टाइम भी मिलते मिलते रह गए, होता है। कोशिश कर रहे हैं, देखो अभी औरंगाबाद में तो काफ़ी सालों से मैं सीख रहा था म्यूज़िक, मेरे गुरुजी नाथा मेरठकर गुरुजी के पास 9 साल सीखा उनके पास, उसका मैं धीरे धीरे सलम करते करते अभी फिर सूरनामा ध्यासनामा में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद वहाँ से निकले तो प्लेबैक किया बॉयज़ 3 मूवी के लिए, अभी और एक गाना प्लेबैक किया है अमित राज बुलके सिंह कंपोजर है मराठी इंडस्ट्री में, ओके तो उनका भी गाना प्लेबैक किया है मैंने और मेरा एक दोस्त है रविंद्र, उसने दोनों ने किया है, तो वो भी जल्दी सुनने को मिलेगा आप सबको। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले इंशाल्लाह कुछ 3-4 महीनों में खुद का मेरा भी आपको एक प्रोजेक्ट देखने मिलेगा। ओके इंशाल्लाह। बस यही गुजारिश है सभी मेरे दोस्तों से और औरंगाबाद कर से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस गाने को प्यार दें। बिल्कुल बिल्कुल, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इनका सॉन्ग प्रमोट करें, इनका सॉन्ग देखें, बहुत जल्द बॉलीवुड में भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े सुपरस्टार है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के शाहरुख खान, उनकी भी मूवी में इनका कंट्रीब्यूशन रहे। थैंक यू। सूफी सॉन्ग से वो पूरा सिंगिंग भी
आपने कोई इंडिया दिल्ली के इवेंट में थे क्या? सबसे ज्यादा बिजी कोई होंगे ना काशी पे। अरे नहीं, मेरे घर के पास रहते दिल्ला नहीं हो रहा। चार पांच बार फोन करे लेकिन मिला नहीं हुआ। अपन नहीं मिले, नहीं मिले ना भैया, फिर भी मिलने अच्छा आपसे फोन कर। तो यहाँ पर अभी डिबेट चल रहा है सैलेड में, और तो ये एपेटाइजर्स है बोलते। अच्छा, तो हमारे खाने से हमारे जिम की भाषा में इसको सिर्फ सैलड बोलते हैं। क्या भाई ये खाओ और फाइबर हो, तुम्हारी बॉडी में फाइबर मिलता है इससे। और ये खाना खाने के साथ के खाने की चीजें बोलते हैं, वो खाए ना तो खाना हजम होता ऐसा सुनने में। आप बताइए कमेंट में सही है कि नहीं। व्हाट इज दैट वर्ड? एपेटाइजर। क्या एपेटाइजर? हां आनंद भाई, आप यस यस आई एग्री विद दिस वर्ड बिकॉज़ आई टीच। खाने के बाद मतलब वॉक नहीं कर रहे, इससे खाना हजम हो जा रहा है तो फिर वॉक नहीं करेंगे, ट्रेडमिल नहीं चलेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, खाना तो हजम हो जा रहा है इससे। ये बात भी तो खाना और खाने के बाद चहल पहल करना बहुत जरूरी। खाने के बाद 40 कदम चलना बहुत जरूरी। 40 कदम से हाँ। वो कब्रिस्तान का मिक्स कर देगी। कलर्स मराठी पे उन्होंने खाजा में खाजा है माशाल्लाह। कलर्स टीवी मराठी कलर्स टीवी कौन सा ऐसा बोलते कि दो ही लोग है जो उन्होंने गाना गाए हुए उसमें से वही है। कहाँ थे भाई तुम अभी तक? तो अभी आमिर भाई के पास से तो मैं निकल गया वो, पर यहाँ पर बारिश चालू हो गई है। अब बारिश की वजह से मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, अब वो रेस्टोरेंट पे जो मैं बताया आपको जाना है तो वो कैंसिल हो गया है। बारिश हो रही, वापस जाकर बैठना पड़ेगा। सबको छोड़ कर आया था मैं नीचे, पर जाकर वापस बैठना पड़ेगा। तो अभी रात के 12 बजने आ गए हैं और हम सब यहीं बैठे हैं, बहुत सारे बातें हुई और अब निकलने की तैयारी है। आप भी ना मेरे ब्लॉग में अक्सर लिखेंगे। बाबा चलो, अल्लाह हाफिज। हेलो भाई, चलो आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई थैंक यू, अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। चलो आराम है, नीचे तक आ रहा है। आमिर भाई के आज की दावत के बारे में, आमिर भाई की दावत के बारे में आज क्या बोले यार? इतना एक साथ सब चैट करते हम लोग, बैठ के खाना खाते साथ में, तो बहुत अच्छा लगता। शिरखोमा यहाँ इसी रमजान के बाद पीने को मिलता, सिर्फ ईदों में भी पीने को मिलता, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा खाना था और सारे दोस्त मिले, बहुत अच्छा लगा। और जजाकल्ला काशिफ भाई, आपने हमारी मेमोरीज को यू नो ऐड करते रहे हमका। अब बिग स्क्रीन्स पे नहीं लेकिन कम से कम हम यूट्यूब स्क्रीन्स पे तो अपने आप को देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलिए शुक्रिया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, ओके, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए एक शॉट में।